ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज चौथे चरण का चुनाव काफी अहम और दिलचस्प होता जा रहा है। वोटिंग परसेंटेज काफी अच्छे जा रहे हैं, 20% से ऊपर परसेंटेज जा चुके हैं और जो 11 बजे तक के आंकड़े आए हैं वो बता रहे हैं कि लोग काफी दिलचस्प तरीके से अब इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। परसेंटेज सामने आ गए हैं, लोग काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, लोगों की भीड़ मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। वहीं बात करी जाए 11 बजे तक के आंकड़ों की, तो 22.62% मतदान हो चुके हैं 9 जिलों में। पीलीभीत 27.43% मतदान हो चुका है, रायबरेली 21.43% मतदान हो चुका है, लखनऊ 21.42%, बांदा 21.0%, लखीमपुर खीरी 24.30%, रायबरेली 21.43% मतदान हो गया है, पीलीभीत 27.43%, सीतापुर 21.40%, हरदोई 20.27%, उन्नाव, तमाम जगह से ये खबरें सामने आ गई हैं, सबके आंकड़े सामने आ गए हैं। फतेहपुर 22.41% मतदान हो चुका है और लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता ने बात भी करी है मतदाताओं से और उन्होंने बताया कि लोग अपने अलग अलग मुद्दों को देखते हुए मतदान कर रहे हैं। और इस खबर पे अब हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके रायबरेली से, ओम शंकर शुक्ला। ओम शंकर, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है मतदान केंद्रों पर, क्या मतदाता उत्साहित नजर आ रहे हैं? जी हाँ, मतदाता रायबरेली जनपद में बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं और सुबह शाम आपको बताते चले कि जो है मतदाताओं में जिला प्रशासन ने भी हालांकि जो है व्यवस्था की है और जो व्रत लोग हैं वो उल्टे जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मिल से मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। जी, अगर बात करी जाए फर्स्ट वोटर्स की, तो उनमें कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या वो भी सुबह से लगातार दिखाई दे रहे हैं मतदान केंद्रों पे? जी हाँ, महिलाएं जो है सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर जो है मतदान में हिस्सा ले रही हैं और सुबह से ही उनका ये मानना है कि जो है पहले वोट डालो उसके बाद अन्य काम होंगे। जी, जिस तरह से 6 में से 5 विधानसभा सीटों पे आज मतदान हो रहा है रायबरेली में, तो इन 5 विधानसभाओं पे क्या कुछ समीकरण देखने को मिल रहे हैं, सीधी टक्कर किससे किसकी मानी जा रही है? जी हाँ, रायबरेली की जो आज 6 विधानसभा में से 5 विधानसभा से की चुनाव हो रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर मानी जा रही है। और हम जिस सीट पे खड़े हैं, सदर विधानसभा की सीट है, यहाँ पर पिछली 5 बार से विधायक अखिलेश सिंह की बेटी जो पूर्व विधायक भी है, पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था, वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा है और समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो है वो अरिजीत सिंह को एक कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। जी, रायबरेली में 21.43% मतदान हो चुका है 11 बजे तक, इस वक्त कितनी भीड़ देखने को मिल रही मतदाताओं की? जी हाँ, पोलिंग बूथ पर जो है सुबह से ही लाइन लगी है, महिलाएं भी जो है वो अपने घर के काम काज निपटा कर जो है वो वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंच रही हैं। जी, जो महिलाएं होती हैं ओम शंकर, वो घर का काम पूरा करने के बाद ही मतदान केंद्र जाती हैं, तो क्या महिलाओं का आना शुरू हो चुका है या फिर वो कुछ समय बाद ही दिखाई देंगी? महिलाओं का आना शुरू हो चुका है, वो अपने घर के सारे, हमने कई महिलाओं से बात भी करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा है कि नहा के पूजा करके जो है सबसे पहले हम मतदान करेंगे, उसके बाद भोजन करेंगे। जी, अगर बात करी जाए वृद्धों और विकलांगों की, तो क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिल रही है मतदान केंद्रों पर उनके लिए? हाँ, निर्वाचन आयोग ने जो है वो वृद्ध और दिव्यांग जनों के लिए जो है व्हील चेयर का इस्तेमाल किया है और उसके लिए जो है पूरी व्यवस्था यहाँ पर तैनात है, गेट से ही उनको व्हील चेयर पर बैठा कर ले जाता है और उनके मत का प्रयोग करके ही उनको बाहर भेजा जा रहा है। जी, तो क्या कोई ईवीएम खराब होने की या फिर किसी तरह के विरोध की कोई खबर सामने आ रही है रायबरेली से? नहीं, ईवीएम की खबर 1-2 जगह आई थी लेकिन 15 से 20 मिनट में ईवीएम सही कर दी गई है और मतदान वहां पर सुचारू रूप से चालू हो चुका है। रही बात जो है कहीं भी विरोध या अराजकता का माहौल अभी तक जो है देखने को नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए। हर एक चुनावी अपडेट पे नजर बनाए रखिए, हमें अपडेट देते रहिए। इस खबर पे हमारे रायबरेली से ओम शंकर शुक्ला जुड़े थे, उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों पे महिलाओं की भी, मतलब अभी समय हो रहा है 12:30 होने वाला है और इस समय तक जो मतदान है उसके अच्छे खासे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। महिलाओं हो, वृद्ध हो, बुजुर्ग हो या फिर जो है नए वोटर्स हो, युवा पीढ़ी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है मतदान केंद्रों पे और जो प्रतिशत है वो बता रहा है कि लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचते रहेंगे और मत का प्रयोग करते रहेंगे।
9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली और सबसे ज्यादा अगर प्रतिशत 11 बजे तक सामने आए तो पीलीभीत से सामने आए, 27.43% मतदान हो चुका है पीलीभीत में। तस्वीरें देख सकते हैं आप, मतदान केंद्रों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है और कई मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां सजाया गया है, एक पर्व जैसे मनाया जाता है बिल्कुल वैसे ही मनाया गया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, महापौर संयुक्ता भाटिया ने किया मतदान, अपने पूरे परिवार के साथ महापौर ने किया मतदान। सिंगार नगर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में डाला वोट, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, महापौर संयुक्ता भाटिया ने किया मतदान, अपने पूरे परिवार के साथ महापौर ने किया मतदान। तस्वीरें देख सकते हैं आप, सिंगार नगर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में डाला वोट, लखनऊ में निर्वाचन अधिकारियों की लापरवाही आई सामने, लिस्ट से मतदाताओं के नाम दिखे गायब, 85 वर्षीय बुजुर्ग को मतदाता सूची में मृतक बताया गया, बड़ी खबर सामने आ रही है, सूची में मतदाता को मृतक बताया गया है, थाना सादतगंज के सेंट मैरी पब्लिक कॉलेज का मामला बताया जा रहा है। लखनऊ में निर्वाचन अधिकारियों की लापरवाही आई सामने, बड़ी खबर सामने आ रही है, चुनाव से जुड़ी लिस्ट से मतदाता के नाम दिखे गायब। बुजुर्ग का नाम गायब रहा, उसने पत्रकारों से बात करके इस बात की जानकारी दी है, मीडिया को यह बात की जानकारी दी गई है। लखनऊ में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, लिस्ट से मतदाताओं का नाम गायब है। हजरतगंज के गन्ना संस्थान से भी अभी एक मामला सामने आया था, वहीं 85 वर्षीय बुजुर्ग का नाम भी गायब दिखाई दे रहा है, मृतक बताया गया है, सूची में मृतक मिलने पर बौखलाया व्यक्ति, थाना सादतगंज के सेंट मैरी पब्लिक कॉलेज का मामला बताया जा रहा। लखनऊ में निर्वाचन अधिकारियों की लापरवाही आई सामने, तस्वीरें देख सकते हैं आप, डिलीटेड लिखा हुआ है व्यक्ति के लिस्ट के सामने, लिस्ट से मतदाता का नाम गायब। और इस खबर में मैं सबसे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, मतदाताओं का नाम गायब है, अभी कुछ देर पहले ही गन्ना संस्थान से खबर सामने आई थी महिला का नाम गायब था लिस्ट से, अब सादतगंज के सेंट मैरी पब्लिक कॉलेज से मामला सामने आ रहा है, 85 वर्षीय व्यक्ति का नाम गायब है, लापरवाही देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे जी शिखा? अगर बात करें तो मध्य विधानसभा में लगातार मतदाताओं की शिकायत है कि वोटर लिस्ट में नाम ना होने की वजह से वो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। वहीं उनका कहना ये भी है कि हम पिछले जो भी चुनाव हुए हैं उसमें अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं और ये जो मतदान कार्ड वो दिखा रहे हैं विजुअल और तमाम बाइटों में, वो जो मतदान कार्ड है वो तत्काल में बनाया गया है, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि फीडिंग में ऐसे जो कर्मचारी है उनके तरफ से ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। और वहीं आपको बताना चाहेंगे कि पश्चिम के एक जो लखनऊ की पश्चिम विधानसभा है वहां जीवित आदमी का लिस्ट जो है वो डेटा में मृत दिखाया गया है, जिसमें 85 साल के बुजुर्ग जो है गुलाम कादिर, उनका लिस्ट से नाम जो लिस्ट में जो वोटर लिस्ट में नाम है उसके सामने डिलीट मतलब मृत दिखाया गया है। और वो खुद पोलिंग बूथ पर पहुंचकर काफी नाखुश नजर आ रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि शहादतगंज के सेंट मैरी कॉलेज में बुजुर्ग ने मतदान करने गए थे, जिसके बाद उन्हें पता चला कि वोटर लिस्ट में उन्हें मृत बता दिया गया है, तो इसके बाद वो काफी नाखुश होकर और प्रशासन पे सवाल खड़े कर रहे हैं। जी शिखा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए विभांशु, हर एक खबर पे अपडेट देते रहिए। अपने वोट डालने आज हमारा वोट पड़ा नहीं। क्यों नहीं पड़ा? तो बता रहे डेथ हो गई तुम्हारी। मतलब आप जिंदा हैं और आपको बताया जा रहा है मृत? डेथ हो गई। आपका आधार कार्ड या कुछ है? वोटर आईडी, आधार कार्ड? आधार कार्ड भी है, पहचान। दिखाइए ऊपर, दिखाइए ऊपर, दिखाइए जरा ऊपर। हां वो बाद में बना लेना। तो क्या हुआ अभी आपको वोट डालने से मना किया जा रहा है? मना किया जा रहा है। किस लिए मना कर रहा है? 5:30 बजे आइए। 5:30 बजे आइए। 5:30 बजे आइए, 6 बजे।
तो 5:30-6 बजे तो पोलिंग 6 बजे खत्म हो जाएगी फिर। पता नहीं क्यों बुला रहा। अच्छा आपने तो इस बार वोट डाला था, इससे पहले चुनाव वोट डाला था आपने? हाँ डाला था वोट। क्या नाम है, नाम क्या है आपका? गुलाम चाची। कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र होगी 85 साल की। 85 साल के लिए अपने वोट डालने आज। तो आपने सुना कि पीड़ित ने बताया है कि उसका नाम लिस्ट से गायब कर दिया गया है, जिसकी वजह से उसको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अधिकारियों द्वारा उन्हें शाम को 5:30-6 बजे बुलाया गया, लेकिन 6 बजे वोटिंग खत्म हो जाती है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है और एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जहां व्यक्तियों का नाम लिस्ट से गायब है। 85 वर्षीय व्यक्ति को मृतक बता दिया है। तो वहीं एक और खबर सामने आई थी लखनऊ से ही, जहां महिला का नाम लिस्ट से गायब था और वजह बताई नहीं जा रही थी। और अब हमारे साथ लखीमपुर खीरी से संवाददाता धीरज जुड़ चुके हैं, मतदान केंद्र पे मौजूद हैं। धीरज, कितनी भीड़ देखने को मिल रही है इस वक्त? हम आपके पीछे देख सकते हैं कि अच्छी खासी संख्या में मतदाता पहुंचे हुए। क्या सुस्त दिख रही है रफ्तार मतदान की, या अच्छे से चल रहा है मतदान? लोग आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। शांतिपूर्वक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था भी बिल्कुल अच्छी तरीके से की गई। यहाँ पर कोई तरीके की सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं, इधर भी लगी हुई है, गेट के साइड में भी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई। कहीं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं, वोटों को दिक्कत नहीं, थोड़ी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था के कारण मतदान किया जा रहा है। जी, क्या आप मतदाताओं से बात कर सकते हैं, जो भी अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं? धीरज, उनसे बात करने की कोशिश करिए और जानिए कि किन मुद्दों को लेकर उन्होंने इस बार मतदान किया है। देखिए, बिल्कुल मतदाताओं से बात हो रही, सुबह से कई लगभग कई मतदाताओं से बात चल रही है। मतदाता के तौर पर जो विकास और वोट कर रहे हैं, सहूलियतें दी जा रही है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं विकलांगों के लिए, वृद्धों के लिए, क्योंकि कड़ी धूप भी है और भीड़ भी देखने को मिल रही है, तो क्या कुछ मुहैया कराई जा रही है सहूलियतें? जो विकलांग है, एक अलग से टोल बनाया गया था, बाकायदा वो आते हैं, वो डायरेक्ट वहीं से जाके अपना सीधा मतदान डाल करके वापस जाते हैं। हो रही है उनके लिए डायरेक्ट सीधा टोल बनाया गया है कि वो जाए अपना सीधा वोट डाल करके वापस जाए। जी, इस वक्त मतदान केंद्र पर सबसे ज्यादा संख्या किसकी देखने को मिल रही है, बुजुर्गों की, युवाओं की या महिलाओं की? हेलो जी, धीरज आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त मतदान केंद्र पर सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, युवाओं की है, महिलाओं की है या फिर वृद्धों की है? बिल्कुल, देखिए महिलाएं जो सुबह से ही लाइन में लगी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे महिलाओं की लाइन में, महिलाएं बराबर सुबह से लाइन में लगी, बराबर आ रही है, महिलाएं अपने मत का प्रयोग कर रही है। लेकिन हमारी महिलाओं से अभी हमने सोचा इससे पहले कि अभी यहाँ पर हम बात करें, महिलाओं से जानकारी करें, तो महिलाओं ने किसी भी शब्द का जवाब देना उचित नहीं समझा, अपना गुप्त तरीके से मतदान कर रही है। लेकिन बराबर महिलाएं जो पूरे जोर शोर से एक हर्षोल्लास के साथ आज जो है मतदान, अपने मत का प्रयोग बराबर महिलाएं करती हुई नजर आ रही है। जी, 26.30% मतदान हो चुका है लखीमपुर में, क्या लग रहा है कि लोग काफी जागरूक हैं और अगले आंकड़े क्या बताने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल लखीमपुर खीरी में जो मतदान का जो प्रतिशत है वो बराबर बढ़ रहा है। हमें लगता है कि जो मतदान का समय जो तय किया गया चुनाव आयोग के द्वारा, वो समय से पूरे होता है, लखीमपुर में जो मतदान होगा बहुत ही अच्छा प्रतिशत जो है आएगा। शांति जी, लखीमपुर में जो कांड हुआ था तो उसके बाद से काफी चर्चा में रहा है लखीमपुर, आज मतदान हो रहा है तो कितना असर पड़ेगा उसका? और बात करिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की, वो भी मतदान का प्रयोग कर चुके हैं, तो उस कांड का कितना असर पड़ सकता है? देखिए, बिल्कुल लखीमपुर अगर हम कितना कांड की बात करें, तो लखीमपुर कांड जो हुआ था, लोगों में चर्चा थी कि वहाँ पर जो निर्वाचन जो था वहाँ पे जो मतदान है वो प्रभावित हो सकता है। लेकिन सुबह से देखा जा सकता है कि जो विधानसभा है वहाँ पर लोग बराबर पूरी तरीके से मतदान कर रहे हैं, ऐसा कुछ कोई चुकन्या कांड का कोई असर नहीं दिख रहा है। जबकि निर्वाचन जो विधानसभा वहाँ पर जो सुबह से अभी तक का जो परसेंटेज आ रहा है वो हर विधानसभा से ज्यादा ही आ रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता धीरज जुड़े थे लखीमपुर से। तो लखीमपुर का मतदान का जो आंकड़ा है वो सामने आ चुका है, 11 बजे तक का 26.30% मतदान हो चुका है, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, जागरूक नजर आ रही हैं।
सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई दिखाई दे रही हैं और 26.30% 11 बजे तक मतदान हो चुका है लखीमपुर खीरी में। बात करी जाती कोनिया कांड की तो उसका असर माना जा रहा था, पहले माना जा रहा था कि इसका सीधा असर चुनाव में पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को उतारा तो ऐसा माना जा रहा है कि स्थिति सामान्य है। किसानों का मुद्दा भी हल कर दिया गया है, किसानों का जो प्रदर्शन चल रहा था उसको लेकर भी बातचीत हो गई है, 3 नए कृषि कानून भी वापस ले लिए गए, तो कई ऐसे मुद्दे थे जिनको हल कर लिया गया, जिनका सीधा असर माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पड़ेगा। उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ा प्रदेश है जिसका चुनाव काफी अहम होता है, हालांकि देश में 5 राज्यों में इस वक्त चुनाव है, लेकिन सबकी नजरें अगर कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश पे है। और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी जो कि काफी विवादों में रहा और उसका आज वहां पे मतदान हो रहा है और अच्छा खासा प्रतिशत देखने को मिल रहा है मतदान का। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है मैनपुरी में, करहल के बूथ संख्या 266 पर पुनर्मतदान में 11 बजे तक 36.66% मतदान हुआ। 266 बूथ नंबर को लेकर इलेक्शन कमीशन से शिकायत की गई थी, करहल के बूथ संख्या 266 पर पुनर्मतदान जारी है। मैनपुरी में करहल के बूथ संख्या 266 पर मतदान जारी है, पुनर्मतदान में 11 बजे तक 36.38% मतदान हो चुका है। 266 बूथ नंबर पर एक बार फिर से मतदान हो रहा है, पुनर्मतदान किया जा रहा है। मैनपुरी के करहल पर 11 बजे तक 36.38% मतदान हो चुका है, पुनर्मतदान हो रहा है। इससे पहले मतदान संपन्न हो गया था, लेकिन ईसी की गई शिकायत के बाद अब एक बार फिर से पुनर्मतदान आज किया जा रहा है। मैनपुरी की करहल के बूथ संख्या 266 पर पुनर्मतदान हो रहा है, ये वही सीट है जहां से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है। मैनपुरी की करहल सीट से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है और यहां पे पुनर्मतदान हो रहा है, शिकायत की गई थी जिसके बाद पुनर्मतदान कराया जा रहा है। मैनपुरी में करहल के बूथ संख्या 266 पर पुनर्मतदान 11 बजे तक 36.38% मतदान हो चुके हैं, यानी कि जो 11 बजे तक के आंकड़े आए थे, बाकी जिन 9 जिलों की 59 सीटों पर चुनाव होना है उन सबसे ज्यादा मतदान हो चुके हैं मैनपुरी की करहल सीट पर। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता मुनीष जुड़ चुके हैं मैनपुरी से। मुनीष, ये क्या कुछ देखने को मिल रहा है, आज पुनर्मतदान हो रहा है तो क्या जनता को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है या सुविधाएं उनके लिए मुहैया कराई गई हैं? जी आपको बता दें, पहले से ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराई गई है। और बीजेपी से जो प्रत्याशी थे करहल विधानसभा 110 से एसपी सिंह बघेल, उन्होंने गड़बड़ी की शिकायत की थी और जो एक मतदेय स्थल था वहाँ पर जो वीडियो भी वायरल हुआ है तो उसके आधार पर ये गड़बड़ी हुई थी, तो इसी को लेकर के पुनर्मतदान की आदेश दिया गया है। और अभी पूरा गांव छावनी में तब्दील है, किसी प्रकार की वोटरों को असुविधा नहीं है। जी, वृद्धों के लिए और विकलांगों के लिए क्या वैसी ही व्यवस्था की गई है जैसे बाकी मतदान केंद्रों पे और बाकी जिलों में की जा रही है? जी जी हाँ, वही व्यवस्था है, जो 80 वर्ष से ऊपर के उनके लिए जो है ये व्हील चेयर वगैरह की सुविधा है, और जो नहीं लेना चाहते वो अपना डायरेक्ट ही डाल लेते हैं। बहरहाल सरकार की तरफ से तो सुविधा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता मुनीष जुड़े थे मैनपुरी से। तो आज 9 जिलों की 59 सीटों पर चुनाव हो रहा है, तो वही मैनपुरी की करहल सीट पर भी पुनर्मतदान हो रहा है और चुनावी समय है। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से मतदान केंद्रों पे लोगों की भीड़ है। और अब हमारे साथ उन्नाव से इस खबर पे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता चैतन्य त्रिपाठी। चैतन्य, उन्नाव में कितनी तेजी से मतदान देखने को मिल रहा है? उन्नाव में अगर आप बात करें, देखो उन्नाव में तो अब तक 30% लगभग मतदान हुआ है, क्योंकि अगर अन्य आप जिलों की बात करें तो वहां से कहीं ना कहीं उन्नाव में जो मतदान हुए हैं वो अभी तक कम हुए हैं, लेकिन जब भी जिला प्रशासन लगातार लगा हुआ है, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है कि लोग अपने घर से निकले। आज छुट्टी का भी दिन अवकाश घोषित कर दिया गया था, उसके बाद सबका जिला प्रशासन का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोग निकले और जो है महिलाएं खासकर घर से निकले और ज्यादा से ज्यादा वोट करें। जी, जिस तरह से जिलाधिकारी द्वारा पहल की गई है कि जो भी मतदान केंद्र पे पहला पुरुष और महिला मतदान करेगा तो उसके द्वारा वृक्षारोपण कराया जाएगा, तो क्या ऐसा सभी जगह देखने को मिला? ऐसा सभी जगह तो देखने को नहीं मिला है, हालांकि ये आदेश समस्त जिलों के जिले
के जो भी जिला निर्वाचन अधिकारी थे उनको दिया गया था कि मतदान से पूर्व वृक्ष लगाए जाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी जनपद उन्नाव में तो फिलहाल नहीं दिखाई पड़ा है। और रही बात मतदाताओं की, तो मतदाता तो लगातार जिस तरीके से निकल रहे हैं तो अभी तक तो ऐसा कोई रुझान नहीं समझ में आया। हालांकि सुबह 7 बजे के बाद वोटिंग स्तर कुछ ज्यादा देखा जा रहा था, लेकिन इस समय इतना वोटिंग स्तर नहीं है। वहीं लोगों का मानना है कि 3 से 5 के बीच सबसे ज्यादा मतदान होगा। गौरतलब बात होगी, क्या ये 60% के आंकड़े को पार कर पाएगा या 60% से नीचे ही मतदान रह जाते हैं। और लगातार आपको बता दें कि यहाँ पे लगातार विभिन्न विधानसभाओं में 6 विधानसभाएं हैं, जिसमें से अभी मोहान विधानसभा के एक क्षेत्र और रात में विकास नहीं तो वोट नहीं करके लोगों ने मतदान से मना कर दिया था, लेकिन उसके बाद पीडी परियोजना निदेशक के समझाने के बाद वहां से फिर से वोटिंग चालू की गई है। लेकिन जो भी लगभग 2 घंटे लगे हैं उसमें कहीं ना कहीं वोटिंग जो थी उसमें फर्क पड़ा है, इसीलिए अभी तक जो मोहान विधानसभा है वहां पे कहीं ना कहीं परसेंटेज कम दिखाई पड़ रहे हैं। जी जी, अगर बात करी जाए असुविधा की तो जनता को कौन कौन सी असुविधा देखने को मिली, क्या कहीं ईवीएम खराब होने की कोई खबर सामने आई या फिर मतदान ईवीएम खराब? जी, ईवीएम खराब होने की अगर आप बात करें तो सदर विधानसभा क्षेत्र के कुछ बूथों पे ईवीएम खराब हुए, और वो ना सिर्फ आधे घंटे के लिए बल्कि लोग एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे वेट करते रहे ईवीएम सही होने का। कहीं ना कहीं ये जो असुविधाएं हैं ये जिला प्रशासन, जिला निर्वाचन अधिकारी की घोर लापरवाही को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं उनको इस पूर्व तैयारी से उनको जो है जागरूक रहने की आवश्यकता थी। कहीं ना कहीं उनको जो जहाँ पे कहीं ना कहीं वोटिंग करने वाले लोगों में कहीं एक अभी सदर में ही एक पोलिंग बूथ पे विवाद हुआ, तो विवाद की स्थिति अगर पैदा हो रही है तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की इसमें कहीं ना कहीं चूक नजर आ रही है। जी जी, तो कितनी देर के लिए बाधित रहा था मतदान? मतदान आधे घंटे के लिए बाधित हुआ, जो कि झगड़े की वजह से बाधित हुआ है। बाकी अन्य जगहों पे अभी तो मतदान सुचारू रूप से है, लेकिन कहीं ईवीएम की समस्या तो कहीं लोगों में झगड़ा जो उत्पन्न हो रहा है उससे जो विलंब हो रहा है इससे मतदान को फर्क जरूर पड़ेगा। और जागरूकता की बात करें, लगातार जिला प्रशासन ताल ठोक रहा है कि जिला प्रशासन द्वारा जो है मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, लेकिन अगर ये आंकड़ा 60 को पार नहीं करता है तो ये जिला प्रशासन की तैयारियों को भी एक तरीके से आईना दिखाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चैतन्य हमारे साथ जुड़ने के लिए। चुनावी अपडेट में नजर बनाए रखिए, हमें अपडेट देते रहिए। हमारे साथ उन्नाव से संवाददाता चैतन्य त्रिपाठी जुड़े हुए थे। सुबह से ही मतदान जारी है, और अगर बात करी जाए उन्नाव की तो उन्नाव में भी अच्छी खासी संख्या में लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। 22.45% मतदान 11 बजे तक हो चुका है, ये आंकड़े सामने आ गए हैं। और ईवीएम खराब होने की भी खबरें कुछ बूथों से सामने आई, लेकिन वहां पर आधे घंटे के भीतर उन्हें ठीक कर लिया गया। हमारे संवाददाता ने ये जानकारी दिया, उन्होंने बताया कि लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन ये बता पाना भी मुश्किल होगा कि जनता जागरूक तो है लेकिन क्या 60 से ज्यादा मतदान हो पाता है, 60% से ऊपर जा पाता है या नहीं। तो 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है, ये सीटें काफी अहम है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, सभी जगह के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं 11 बजे तक। कई दिग्गजों की आज प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, कई बड़े ऐसे नेता और ऐसे चेहरे भी रहे जिन्होंने अपने मत का प्रयोग कर लिया है, उसमें मायावती, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आशुतोष टंडन, सभी ने अपने मत का प्रयोग किया है। और मतदान केंद्रों पे मतदान करने के बाद उन्होंने जनता से वोट की अपील भी की है। कुल 624 प्रत्याशी हैं जो मैदान में हैं। लखनऊ की बात करी जाए तो लखनऊ में 2 हॉट सीट है, सदर और कैंट। तो चुनाव सभी जगह पे कांटे की टक्कर पे हो रहा है, कई त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, और लगातार 624 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। 6 बजे तक ये किस्मत कैद होगी और इसका परिणाम 10 तारीख को आएगा। जनता जागरूक दिखाई दे रही है, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं से कुछ शिकायतों की खबरें भी सामने आ रही हैं, जैसे कुछ प्रत्याशियों के नाम लिस्ट से गायब हो जा रहे हैं, किसी को मृत घोषित कर दिया जा रहा है, कहीं पे ईवीएम खराब हो रही है। तो ये एक हम कह सकते हैं कि हमने जैसे पिछले 3 चरणों के मतदान देखे हैं और इस बार के जो मतदान देखने को मिल रहे हैं, तुम कह सकते हैं कि ये एक चुनाव की प्रक्रिया है, चुनाव का हिस्सा है कि ईवीएम खराब होगी अगर मतदान हो रहा है तो, क्योंकि एक टेक्निकल फॉल्ट है ये,
टेक्निकल चीजों में कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका समाधान भी किया जा रहा है। और अब इसी खबर पे हमारे साथ बांदा से संवाददाता रिजवान खान जुड़ चुके हैं। रिजवान, क्या कुछ देखने को मिल रहा है बांदा में? आज जितने भी बूथों पर चुनाव हो रहे हैं, मतदान हो रहे हैं, तो उनपे क्या उम्मीद, जो मतदाता है वो काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं? जी, मैं जो बताना चाहूंगा कि यहाँ के जितने भी मतदाता है वो बहुत ही ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं जी। और सवेरे 7 बजे से काफी यहाँ पे भीड़ जो है नजर आ रही है, जो मैंने अभी कैमरा मैन के माध्यम से दिखाया भी था जी। 21% मतदान हुए हैं अभी तक। क्या लगता है जो अब आने वाले आंकड़े हैं, यानी कि जो अब अगले प्रतिशत सामने आएंगे, तो उसमें कुछ बढ़ोतरी होगी, क्योंकि बहुत कम आंकड़ा देखने को मिल रहा है? जी मैम, अभी बढ़ने की तो आशंका बहुत पूरी जताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ अभी बराबर लगी हुई है और मतदाता आते ही जा रहे हैं जी। बिल्कुल, हर खबर पे ये नहीं है कि लास्ट तक उसमें मतदाता बढ़ते ही जाएंगे जी। बिल्कुल रिजवान, हर खबर पे अपडेट देते रहिए, नजर बनाए रखिए हर चुनावी अपडेट पे। तो हर जगह से ऐसी खबर सामने आ रही है जहाँ पे कई शिकायतें भी है, तो कहीं पे मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और कई मुद्दों को लेके इस बार चुनाव मैदान में है, तो कई ऐसी दिक्कतें भी हैं जिनका सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों पे जैसे अगर देखा जाए तो वहां पे मवेशियों की दिक्कत है, फसलों की सुरक्षा को लेकर पूरी रात गर्मी सर्दी बरसात जागना पड़ता है किसानों को, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। छुट्टा जानवरों की समस्या को देखने को मिल रहा है। वहीं सड़कें नहीं है तो कहीं पानी की निकासी को लेकर भी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तो इन सब परेशानियों को देखते हुए भी जनता वोट कर रही है और विकास के मुद्दों को भी वोट कर रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। शारदा प्रताप शुक्ला ने किया मतदान। कुछ दिन पहले ही सपा छोड़ बीजेपी में हुए शामिल, शारदा प्रताप शुक्ला का बड़ा बयान भी आया सामने। कहा अखिलेश यादव नियत के हैं बेईमान, बेईमान बताया है अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी, अपने अहम में है डूबी। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां सपा छोड़ बीजेपी में शामिल हुए शारदा प्रताप शुक्ला ने किया मतदान। मतदान के बाद बड़ा बयान भी आया सामने, अखिलेश को बताया बेईमान, कुछ दिन पहले ही सपा छोड़ बीजेपी में हुए थे शामिल। शारदा प्रताप शुक्ला का बड़ा बयान आया सामने, मतदान के बाद बयान देते हुए आए नजर अखिलेश यादव, नियत के हैं बेईमान कहा, समाजवादी पार्टी अपने अहम में डूबी है, शारदा का बयान आया सामने। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, शारदा प्रताप शुक्ला ने किया मतदान। अगर 2017 के नतीजे की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली थी, कांग्रेस और बसपा को दो दो सीटों पर संतोष करना पड़ा था, और इस बार 624 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। अहम सीटें हैं अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड की, जहां पे आज चुनाव हो रहा है। पहले चरण का चुनाव हमने देखा जाट लैंड में था, उसके बाद मुस्लिम बेल्ट पे चुनाव हुआ तीसरे चरण में जो मतदान देखने को मिला, तो उसमें भी काफी दिलचस्प चीजें निकल के सामने आई। और अब हमारे साथ संवाददाता श्वेता गर्ग जुड़ चुकी है, जो कि मौजूद है सरोजनी नगर विधानसभा में। श्वेता, इस वक्त आप मतदान केंद्र पे मौजूद हैं, कितना उत्साहित दिख रहे हैं प्रत्याशी और क्या कितने उत्साहित मतदाता दिख रहे हैं और क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? देखिए शिखा, आपको बता दें कि इस वक्त हम लोग सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र पर हैं, जहां पर लगातार मतदाता का जमावड़ा यहां पे बना हुआ है। यहां पर अभी हम लोग एक न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज में यहां पर मौजूद हैं, जहां पर लोग अपना मतदान करने के लिए आए हैं। यहां पे लोगों में अलग सा एक उत्साह देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन कुछ चीजें भी देखने के लिए हमें मिल रही है, जहां पर कुछ लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो उनका कुछ भी कुछ कहना ये है कि उनका शायद नाम लिस्ट में नहीं है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि उन्होंने पिछली बार मतदान किया था, लेकिन इस बार नाम ना होने की वजह से वो यहाँ पर मतदान नहीं कर पा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक मैम हमारे साथ में जुड़ी हुई है, ये बता रही है इनका भी कुछ चीजें हैं, आइए इनसे सीधे बात करते हैं। तो क्या नाम है आपका? अच्छा, तिवारी, और मैं एनडीए में काफी समय से रह रही हूँ।
आप आज मतदान करने आई थी, क्या समस्या आपको मिली? जी मेरे पास वोटर आईडी कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, बट इवन देन आई एम नॉट एबल टू पास वोट। और मुझे लगता है कि लास्ट टाइम जब मैंने पार्षद के चुनाव के लिए मैं आई थी यहाँ पर, 5 ईयर्स बैक आई थी, मैंने यहाँ पर वोट कास्ट किया, बट आज के दिन वो कह रहे हैं मेरा नाम लिस्ट में नहीं है। एंड मैं चाहती थी कि मैं अपना वोट कास्ट करूँ आज के दिन, और आज का जो इम्पोर्टेंट डे है उसको मैं फुलफिल करूँ, कम्प्लीट करूँ, बट आई एम अनएबल टू डू दिस बिकॉज आई डोंट हैव माय लिस्ट इज माय नेम इज नॉट देयर द लिस्ट। तो आपने किसी से यहाँ पे मौजूदा अधिकारी जो है उससे आपने बात की और उससे कहा, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने कुछ किया है? जी उनका कहना है कि आपका नाम लिस्ट में नहीं मिलता पाओ, उन्होंने हर तरह की लिस्ट में, हम लोगों ने भी बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं, मैं यहाँ काफी समय से यहाँ अपने हस्बैंड के साथ में, बट मैंने हर जगह लिस्ट देख लिया है, बीएलओ के पास में भी जाके देख लिया, बट दे आर नॉट एबल। अच्छा आपने अपने हस्बैंड की बात की, तो क्या आपके हस्बैंड ने मतदान किया है? उन्होंने अपना मतदान कर लिया है, उनका एरिया डिफरेंट था उन्होंने कर लिया, बट मेरा नाम नहीं आया। थैंक यू। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी उन्होंने पिछली बार मतदान किया था, इस बार वो मतदान नहीं कर पाई है क्योंकि उनका लिस्ट में नाम ना होने की वजह से उनको इस तरीके की परेशानी हो रही है। उन्होंने बोला कि पिछली बार वो कर पाई थी क्योंकि उनका नाम लिस्ट में था, नाम ना होने की वजह से दिक्कतें थी। अभी कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, क्या उन्होंने मतदान किया? क्या नाम है? क्या मतदान आज आज जी मैं मतदान करता हूँ। मैं ये चीज और कहना चाहता हूँ, जैसे बाहर से लोग आए हुए हैं तो उनका आधार कार्ड वो लाए नहीं है, तो यहाँ समस्या ये हो रही है कि मोबाइल अंदर लेने जाने दे रहे हैं और यहाँ कोई फोटो कॉपी खुली, तो खाली ये निवेदन करना है सरकार से या SDM साहब से कि अगर वो वैलिड वोटर है और उनके मोबाइल पे वो पिक है आधार कार्ड की, तो वोट कास्ट करवा दे हमारा, नहीं तो वो इनवैलिड हो जाएगा। और एक वोटर 80 साल की है, वो अभी आई थी, उनको वापस बीएलओ साहब ने और अंदर कर दिया कि आपका गए थे 4 दिन पहले, गए थे आप रिजेक्ट हो गए, जब वो मिली नहीं वहाँ पे, तो अब आई है तो क्यों आपने रिजेक्ट कर दिया? मैंने SDM साहब से बात की है तो उन्हें मुझे आश्वासन दिया है कि आप ले आइए, मैं करवा दूंगा। तो जो दो छोटी छोटी समस्याएं उनका निर्धारण करते हैं SDM साहब या अधिकारी, इतना ही। तो यहाँ पे हेमंत हमारे साथ में जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ लोग जैसे वोटर आईडी कार्ड के साथ में या जैसे कोई भी अगर पहचान पत्र नहीं लाए हैं, उसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनको मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है, जिसके लिए इन लोगों ने गुजारिश भी की है। देखना यह होगा कि अभी किस तरीके से उस पर एक्शन लिया जाता है। फिलहाल कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? आप अपना मतदान कर चुके? मैंने मतदान कर दिया अपना। किस तरीके का रुझान देखने के लिए मिल रहा है? रुझान देखिए यहाँ पे ये है कि मोस्टली पब्लिक राष्ट्रपिता के नाम पे वोट दी। अच्छा, मेन मुद्दा हमारा यही है। आपको किसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? दिक्कत का ये है कि हमारा जो पोलिंग बूथ संख्या 131 था वहाँ, दैट इज माय फादर इज 90 इयर्स ओल्ड, तो उनको थोड़ा सा बट दैट इज बहुत स्लो प्रोसीजर में चल रहा है, वहाँ की जो मतदान अधिकारी या जो भी है वो दैट इज बहुत स्लो चल रहा है, तो दैट इज आई रिक्वेस्ट टू यू टू डिपार्ट कि वहाँ पे थोड़ा सा उनको प्रेशर दी, ताकि बूथ 131 में देखिए बहुत भीड़ लगी हुई है क्योंकि सबसे ज्यादा बूथ इसी पे है, तो इसलिए उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा एक काम में अपनी एक्टिविटी और जल्दबाजी करें ताकि मतदान सुचारू रूप से जल्दी से चल सके। आपने मतदान किया? मतदान कर चुके हैं। हाँ, किसी किसी पॉइंट पर भीड़ लगे हैं, सबसे बड़ा कारण आप जो है बहुत ज्यादा केंद्र नहीं देना चाहिए। शिखा यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग मौजूद थे, अभी एक एजेड पीपल हमारे साथ थे जिन्होंने ये बोला कि वहाँ मतदान में ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई है। फिलहाल ये उनकी एक गुजारिश है कि जो जो ओल्ड एज पीपल है, जो काफी ओल्ड एज के हैं, उनके लिए एक सुविधा तकरीबन कराई जाए कि उनको लंबी लाइन जी। श्वेता वहाँ पे युवा भी मौजूद, हम चाहेंगे आप युवाओं से बात करें और उनके मुद्दों को जानने की कोशिश करें कि वो किन मुद्दों को लेके इस बार मतदान कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको युवा से भी बात कराना चाहूंगी। मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि यहाँ पे कुछ युवा गण भी हमारे साथ में मौजूद हैं और युवाओं का क्या रुझान यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। युवा भी काफी मतदान को लेकर पहली बार आपने
योगी जी आए? नहीं, मतलब पहली बार आप मतदान करने आई हैं तो सेंटर को देख के आपको क्या चीज, मतलब आपको कौन लाइक कर रहा है, किधर जाना है, कहाँ से पर्ची लेनी है, इस बारे में किसी ने बताया कैसे? अभी आए हैं तो मतलब आप अभी सेंटर समझ रही हैं कि यहाँ पे किस तरीके से कहाँ जाना, इस तरीके से। अच्छा, तो आज क्या फीलिंग है आपके अंदर, किस तरीके की फीलिंग है कि यहाँ आप पहली बार वोट करने आई है तो आपको कैसा लग रहा है? आज आपको वोट करने का प्राउड सब फील हो रहा है भाई। ये भी आज पहला मतदान करने आई है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? आप वोट नहीं, पहली बार जा रहे हैं तो आपके मन क्या चीज चल रही है? बहुत ही खुशी है, बहुत ही खुशी है कि हम भी नागरिक हैं, अच्छे हम इंसान को लाए, बहुत अच्छी चीज है, अच्छी है तो फिर हम साथ देंगे। योगी जी का, मोदी जी का, उन्होंने बहुत हम लोग के लिए किया, गरीबों के लिए बहुत किया, बहुत हर एक चीज फैसिलिटी उन्होंने हम लोग के लिए दी, सुरक्षा दी हम लड़कियों को, औरतों को, हर एक चीज के लिए, तो उनका बहुत धन्यवाद करना जी। अच्छा, और बाकी ये है यहाँ के सिस्टम के लिए आपने कैसे समझा कि क्या सिस्टम कैसे करना है, ये सब जानकारी आपको कहाँ से कैसे मिली? मैम अभी तो कुछ नहीं, अभी हम आए हुए हैं तो अभी तो हमें कुछ नहीं पता, तो अभी बस हम आए हैं, देखते हैं आगे। तो शिखा, यहाँ पे युवा भी जो आज पहली बार मतदान कर रहे हैं उसमें अभी हम लोगों ने बात की तो बहुत एक्साइटेड है, उनको भी अच्छा लग रहा है कि हम भी एक भारत के नागरिक है, तो आज उनको ये अधिकार मिल रहा है और अपना वोट देने के लिए आए हैं और वो अपना वोट करने के लिए जा रहे हैं। जी शिखा, श्वेता, एक मुद्दा हमेशा उठता है कि पार्टी को देख के मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं या फिर प्रत्याशी को देख के, तो हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी युवा मतदाता ने कहा कि वो किसी एक पार्टी को या फिर किसी एक प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं, तो क्या वो अपने उम्मीदवार को, उनकी विधानसभा में जो उम्मीदवार है उनको जानते हैं, किसके लिए वोट डाल रहे हैं? हम चाहते हैं कि आप ये भी उनसे जानें कि क्या वो जिसको वोट दे रहे हैं उस व्यक्ति को जानते हैं या फिर पार्टी के नाम पे मतदान कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं अभी और लोग भी हमारे साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं, उनको भी बड़ा एक प्रेम देखने के लिए मिल रहा है। जी सुन रहे हैं आप, मेरा नाम विनीता। अच्छा विनीता, ये बताइए कि अभी जो मतदान लगातार आपका पहला मतदान है या आप कितनी बार मतदान कर चुकी हैं? मैम एक्चुअली आई डिडंट रिमेंबर दिस टाइम हाउ मेनी टाइम आई हैव वोटेड, बट सो मेनी टाइम आई हैव हमको ये बताइए कि आप जैसे होता है कि हर बार हर विधानसभा में तकरीबन 5-6 प्रत्याशी होते ही है, वोटिंग हम करते हैं वो हम पार्टी के हिसाब से वोटिंग करते हैं या कैंडिडेट को देखते हैं? और मैंने जिन्हें वोट किया है मैं उम्मीद करती हूँ कि वो मेरे एक्सपेक्टेशन, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन खाली नहीं जाएंगे उनसे। अच्छा आप बताइए, आप क्या देखते हैं, आप पार्टी देखते हैं या कैंडिडेट? नहीं तो आप ये बताइए ना कि आप कैंडिडेट देख के वोट करती हैं या पार्टी का चिन्ह और पार्टी देख के वोट करती हैं? नहीं, हम चिन्ह देख कर हम ये देखते हैं कि हमारे लिए क्या किया है, मतलब नहीं किया। अच्छा, तो आप पार्टी के बारे में जो जिसको मतदान करने जा रही है उसके बारे में पता होता है कि कौन है, उसके सब देखते हुए ये लोग बात करना है कि इस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, ये जानना भी जरूरी है। आपने वोट किया है? यही नहीं है तो क्या हो गया? आपकी पर्ची नहीं आई? नहीं आई। तो यहाँ पर्ची नहीं आई तो आप किस तरीके, अच्छा आपने पिछली बार वोट किया था? जी किया था। ओके, काफी समय से करती आ रही है तो ये चीज पहली बार आपके साथ हुई है, पहले भी हो चुका है? नहीं, पहली बार हुई है। नहीं, एक बार और हुई है, ये दूसरी बार हुई है सर। जी पहली बार हुई है, हमारा लड़का किया। अच्छा, हम आते थे देने।
उसके बाद कोई वही नहीं, क्या फायदा है भाई? एक नागरिक आ रहा है तो इसके लिए यहाँ जो बैठे अधिकारी होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पर्ची नहीं मिलती है, लेकिन वो यहाँ से पर्ची अवेलेबल आपको दिला देते हैं, लेकिन इस तरीके से कि पर्ची यहाँ पे भी नहीं दी गई, यहाँ भी नहीं दी गई। उन्होंने कहा यहाँ पर आपका इसमें नाम नहीं है, बताइए नाम नहीं है कैसे बने, कैसे उनको वोट डालेंगे? चाहे तो हम कैसे कर सकते, आधे लोग आ रहे आधे लोग ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो शिखा यहाँ पर हमने कई समस्याएं देखने के लिए भी मिल रही है कि पर्ची नहीं आई है, किसी का वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है जो कई सालों से वोट करते आए हैं, और हमने ये भी अभी देखा कि लोग कैंडिडेट देखकर यहाँ पर चुनाव देते हैं, अपना मतदान देते हैं, उसी के बाद ही लोग अपना मतदान देते हैं, पार्टी देख के मतदान नहीं किया जाता है। जी शिखा, श्वेता हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट देते रहिए, हर खबर पे नजर बनाए रखिए। आज चुनावी दिन है और ऐसे में हर एक खबर हमारे लिए बहुत जरूरी है, हम अपने दर्शकों तक एक एक अपडेट पहुंचा रहे चुनाव की। खासतौर से आज लखनऊ में मतदान है, आसपास के जो 9 जिले हैं उनमें मतदान है, और सुबह से ही प्रत्याशियों में काफी उत्साह देखने को मिला है। इसी उत्साह के साथ जब वो मतदान केंद्र जा रहे हैं तो वहां पे कुछ कमियां भी देखने को मिल रही है, और कमियों की बात करी जाए तो कुछ मतदाताओं का उनकी लिस्ट से नाम गायब है या फिर उनकी पर्ची नहीं आई है, तो असुविधा का सामना करना पड़ रहा है तमाम लोगों को, मतदाताओं को अपने मत का प्रयोग करने में, और ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिसकी वजह से काफी नाराज नजर आ रहे मतदाता। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, शायर मुनव्वर राणा का वोटर लिस्ट से नाम गायब, बड़ी खबर सामने आ रही है, नाम गायब होने से मुनव्वर राणा में रोष। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, वोटिंग लिस्ट में पत्नी का नाम शामिल, जब हुकूमत खुद वोट देने का मौका नहीं दे रही है तो खुद किस बात, बड़ा सवाल उठाया शायर मुनव्वर राणा ने। शायर मुनव्वर राणा का वोटर लिस्ट से नाम गायब, नाम गायब होना से मुनव्वर राणा में रोष। बड़ी खबर सामने आ रही है, वोटिंग लिस्ट में पत्नी का नाम शामिल लेकिन मुनव्वर राणा का नाम गायब है, जब हुकूमत खुद वोट देने का मौका नहीं दे रही है तो खुद किस तो दुख किस बात का। मुनव्वर राणा का ये बड़ा बयान सामने आया है, नाम गायब हो गया उनका वोटर लिस्ट से, जिसके बाद उनमें काफी रोष देखने को मिल रहा है। उनका बयान भी सामने आया है कि जब हुकूमत खुद वोट करने का मौका नहीं दे रही है तो दुख किस बात का। हुकूमत पर सीधा सवाल उठाया मुनव्वर राणा ने, उनका नाम भी गायब हो गया है, और पहले 3 चरणों में ऐसा तो देखने को नहीं मिला लेकिन चौथे चरण में ये दिक्कत सबसे ज्यादा सामने आ रही है कि मतदाताओं के नाम गायब है मतदान सूचियों से, लिस्ट से, और सबसे बड़ी दिक्कत यही सामने आ रही है। हालांकि इस बार ईवीएम खराब होने की, जो पिछले 3 चरणों में सबसे ज्यादा परेशानी थी ईवीएम खराब होने की, विवाद की, लोगों में काफी आक्रोश था, मतदान का बहिष्कार कर रहे थे, लेकिन इस बार जो सबसे ज्यादा दिक्कत सामने आ रही है, जो 9 जिलों की 59 सीटों पे चौथे चरण का मतदान हो रहा है, इससे सबसे ज्यादा परेशानी ये सामने आ रही है कि वोटर लिस्ट से कई लोगों के नाम गायब है। हम 4-5 ऐसे मामले देख चुके हैं, 4-5 लोगों की ऐसी बातें सुन चुके हैं और बयान सुन चुके हैं जिससे उनका नाम गायब है। अब शायर मुनव्वर राणा का भी इस लिस्ट में नाम शामिल हो चुका है। हर चुनावी अपडेट आपको देते रहेंगे, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।